हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम लाइट से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ेंगे, विच इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हेयर आर टू वेरी ब्यूटिफुल इमेजेस। फर्स्ट इमेजेस ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ऑन अ वेरी क्लियर डे दिस पिक्चर इज वेरी कॉमन, एंड द सेकेंड इमेज बिलोंग्स टू अ सनराइज और अ सनसेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्काई है दैट इज अपियरिंग रेडिश इन कलर, सन हमें रेडिश गोल्डन दिख रहा है। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर सन रेज गिरती हैं तो ये एयर के पार्टिकल्स उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लॉर्ड रेले वॉज अ फर्स्ट टू डील विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टू गिव अ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग व्हेन लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेले ने कहा कि अगर लैम्डा वेवलेंथ है उस लाइट की तो उसकी स्कैटरिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की उतनी ही वो कम स्कैटर होगी। विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ मिनिमम होती है। इसका मतलब वायलेट लाइट स्कैटर्स दी मोस्ट। लेकिन एक और बात है, स्कैटर होने पर लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं होती। देर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन स्कैटरिंग, एंड द रीजन फॉर दिस इज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मॉलिक्यूल पे, उस वो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रही मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए वेवलेंथ लाइट की अफेक्ट नहीं होती। द मॉलिक्यूल इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग द लाइट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेलेज लॉ इज एप्लीकेबल इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेलेज लॉ तभी एप्लीकेबल है जब ये, अगर ये पार्टिकल है हमारा तो लाइट की वेवलेंथ भी इसी साइज की होनी चाहिए। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द वेवलेंथ। अगर वो पार्टिकल के साइज के ही ऑर्डर में है ओनली देन द रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग इज एप्लीकेबल। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ दैट लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/ लैम्डा टू द पावर 4, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। So if the scattering particle is of large size like this, अगर ये हमारा particle है और ये हमारी wavelength है तो इस case में Rayleigh's law applicable नहीं होगा। Now इस phenomena का use करके हम blue color of the sky explain कर सकते हैं। Why does the sky appear blue in color? According to Rayleigh's law, the blue color in white light scatters the most because of its least wavelength, hence sky appears blue. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, सन से जो रेज हैं वो हर डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब वो एयर मॉलिक्यूल से टकराती हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स का साइज होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर्ड लाइट, देन वो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर करती है। और जब ये स्कैटर्ड लाइट कहीं ना कहीं से हमारी आई में आती है तो हमें क्या लगता है कि पूरा का पूरा स्काई क्या है, ब्लू है। नाउ अगर हमसे पूछा जाए व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट, हमें क्लाउड सफेद क्यों दिखते हैं? क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दीज स्कैटरर्स डू नॉट ऑबे रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। Therefore, all the colors are scattered equally and hence clouds appear white. जो क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, वेरी मच लार्ज एज कम्पेयर टू द एयर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, देयर साइज इज वेरी लार्ज। तो सारी की सारी वेवलेंथ्स इक्वली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इसलिए हमें क्लाउड्स वाइट दिखते हैं। Why does sun appear reddish during sunrise and sunset?
This is because at the time of sunrise and sunset, the rays from the sun have to travel a large distance in the atmosphere. Most of the blue wavelengths get scattered away and most of the red wavelengths reach the eye of the observer. इसका मतलब जब सन होराइजन पे होता है देन दीज रेज हैव टू ट्रेवल अ रियली लार्ज डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर सच दैट मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड अवे इन इट्स पाथ. मैक्सिमम ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती है जिसकी वजह से जो रेज जो वेवलेंथ्स बचती हैं दे आर द रेडर वेवलेंथ्स, वो रेड वेवलेंथ्स होती हैं. एंड व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव अस तो उस केस में ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमारे पास सारी वेवलेंथ्स पहुंचती हैं एंड द सन अपीयर्स वाइट टू अस. वी मस्ट हैव सीन दैट देर आर रेड कलर डेंजर सिग्नल. डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर में ही होते हैं बट व्हाई? सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन विजिबल स्पेक्ट्रम. विजिबल स्पेक्ट्रम ही हमारी आई परसीव कर सकती है और उनमें रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है. देयरफॉर इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट. इसकी लीस्ट स्कैटरिंग होती है एंड हेंस इट कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. मान लो उस एरिया में फॉग है लेकिन आगे डेंजर है तो अगर डेंजर सिग्नल्स ब्लू कलर के होंगे तो जो फॉग होगी वो उनको स्कैटर कर देगी एंड इट कांट बी सीन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. So this was all about the phenomena of scattering of light. That's all for now. Have a good day.